So before starting the workshop, the first and the foremost question which comes in our mind is, what are civil services? What are civil services? Civil sevai kya hai? So civil services are the services which are permanent, which are paid, which have a career, and which are there for providing the jobs which are public in nature. And civil sevai kya hai? ये ऐसी सेवाएं हैं जो वैतनिक हैं, स्थाई हैं, जिनमें वृत्ति पाई जाती है और जिनका जिनकी कार्य की प्रकृति जनता की सेवा से जुड़ी है. सो दीज सर्विसेज आर नोन एज सिविल सर्विसेज, राइट? सो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज, वी विल सी देम जस्ट फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ. एंड द यूपीएससी कंडक्ट्स एग्जाम फॉर द सिविल सर्विसेज फॉर द यूनियन गवर्नमेंट as well as the state, different state PSCs are there which conduct exam for the different state PSC. In some certain states they are known as PSC and certain states they are known as PCS. So PSC or PCS ek hi hai. Mote mote taur pe hum kehte hain jo UPSC exam conduct karata hai, that is for class 1 and class 2. Aur jo PSC exam conduct karata hai, that is for class 2 and class 3. I repeat, exams conducted by UPSC belong to class 1, class 2, gadget it. And the exam conducted by different state PSC are class 2 gadget it and class 3 is not gadget it. यहाँ पे जो बार-बार gadget word आता है, राजपत्रित आता है, उसका एक मतलब होता है. The gadget services are the services whose service matters are always published in the gazetteer. राजपत्रित सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिनसे संबंधित सेवा मामले शासन के राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित होते हैं. ऐसी सेवाओं को राजपत्रित सेवाएं कहते हैं. सो लेट्स कम कि वन कैन गेट सिविल सर्वेंट बाय क्रैकिंग द यूपीएससी. एंड द यूपीएससी एग्जाम्स बिलोंग टू द थ्री स्टेजेस. नंबर वन इज द प्री. It is given on your competitive chart in my welcome kit. Please open it. Open my welcome kit. So, pehla stage hota hai iska prelims. Competitive chart is there. First stage is prelims. Then second stage is mains. Aap dekh rahe hain. Got it? And the third stage is of interview. Teen stage mein hota hai UPSC exam. और आप कंपटीटिव चार्ट के राइट साइड में देख रहे हैं कि जो स्टेट पीएससी है, ये भी तीन स्टेज में होता है, दैट इज प्रीलिम्स एंड आफ्टर दैट मेंस एंड दैट इंटरव्यू. गॉट इट? तो पैटर्न में सिमिलैरिटी हमको मिलती है दोनों एग्जाम्स में. तो सबसे पहले आ जाए प्रीलिम्स फॉर दिस लेफ्ट साइड फॉर यूपीएससी. देयर आर टू पेपर्स इन प्रीलिम्स, जनरल स्टडीज. देयर आर 100 क्वेश्चंस इन जनरल स्टडीज and it belongs to 200 marks. Whereas the CSAT, there are 80 questions in CSAT and there are total 200 marks. The CSAT, that is Civil Services Aptitude Test, is only a qualifier, marks are not added. So the grand total for qualifying UPSC prelims is 200. और ये prelims का बार बार हम देख रहे हैं, इसका जो nature है, marks are not added, it is simply a screening test. इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होते हैं. एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 2 आवर्स ईच एंड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आर 30 मार्क्स फॉर पेपर 1, दैट इज जनरल स्टडीज, एंड 70 मार्क्स फॉर पेपर 2, दैट इज सीसैट. तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग यूपीएससी की तरफ से रहता है. And in UPSC, there is a minus marking at the rate of 1 by 3 of the marks. यानी दशमलव छः छः अंक काट लिए जाते हैं गलत उत्तर देने पे. So this is the nature of the exam. And normally in prelims, if there are X vacancies, so 12X to 13X students qualify the prelims. And they are allowed to appear for the mains. प्रारंभिक परीक्षा में जितनी सीटें होती हैं, माना 8 सीटें हैं, तो उनकी 12 से 13 गुना
परीक्षार्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और वो मेंस के लिए अपीयर होते हैं। जो प्रैक्टिकली अगर हम कट ऑफ देखें प्रीलिम्स में कितना कट ऑफ गया, तो ये कट ऑफ 2018 में कट ऑफ गया था 98 out of 100। पेपर काफी रैंडम था, टफ था, कितना कट ऑफ गया 98 out of 200, और उसके पहले 2017 में ये कट ऑफ गया था 105। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कट ऑफ हमारी वेबसाइट में सब दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको एमबीबीएससी से, तो दीज आर कंपेरेबल थिंग्स। इन एमबीबीएससी आल्सो देयर आर टू पेपर्स, जनरल स्टडीज एंड सीसैट। इन एमबीबीएससी सीसैट इज नोन विद द नेम जीएटी, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज सेम एज सीसैट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीसैट को बोल देते हैं जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो ग्रैंड टोटल होता है एमपी में 200 मार्क्स से ही कैलकुलेट किया जाता है। एंड इन एमपीपीएससी आल्सो द जीएटी दैट इज सीसैट इज ओनली अ क्वालिफायर, मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और जो मिनिमम कट ऑफ है 40% होता है एमपी में, कितना 40% मिनिमम 40% आपके जीएस में आना चाहिए, 40% जीएटी में आना चाहिए, तो इतना मिनिमम क्वालिफायर होता है। और एमपीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं होता है, ये कंपेटिटिव चार्ट में दिया हुआ, प्लीज टेक आउट द कंपेटिटिव चार्ट, इट्स ऑलरेडी सब टू यू। सो इन एमपीपीएससी देयर इज नो माइनस मार्किंग, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है यूपीएससी एंड एमपीपीएससी में, राइट। और अगर हम बात करें कि एमपीपीएससी में कितना कट ऑफ गया 2018 में, तो आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि 2018 द कट ऑफ वाज 138 out of 200 मार्क्स, बिकॉज द पेपर ऑफ एमपीपीएससी इज रिलेटिवली इजियर। बट नंबर ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट अपीयर फॉर एमपीपीएससी, सो वन शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज। हम एमपीपीएससी की तैयारी आइसोलेशन में नहीं कर सकते कि हम तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र जो यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप एमपीपीएससी की परीक्षा देगा, तो वो अच्छे जितने पद हैं वो सब ले जाएंगे। सो अगेन आई एम्फेसाइज एमपीपीएससी प्रिपरेशन यू नीड एन इन डेप्थ नॉलेज, बिकॉज यू हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन विद दोज हु आर बेसिकली हु आर प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर यूपीएससी, but at the same time they have also appeared for the state civil service, got it? So doubt to nahi. तो ये खास खास बातें हो गई प्री स्टेज की। देन कंपेरेटिव चार्ट देखिए, जो सेकंड स्टेज है उसको हम मेंस कहते हैं। मेंस में जो पेपर होते हैं, नंबर वन इज द एसे पेपर 250 मार्क्स देख लिया, देन जनरल स्टडीज वन 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज 250 मार्क्स दिख रहा है, जनरल स्टडीज 3 अगेन 250 मार्क्स, एंड जीएस 4 जो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पे है 250 मार्क्स। तो एमपीपीएससी में जो देखेंगे आप पेपर्स हैं वो 250 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इन यूपीएससी द एसे पेपर, द फोर पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज यू सी दे बिलोंग टू 250 मार्क्स ईच। And in UPSC, there is an optional paper which has two papers inside it. So optional ka jo paper one hai, wo bhi 250 marks ka, paper two, wo bhi 250 marks ka. So in UPSC, the grand total is 1750. The marks are added and the merit is taken from 1750 marks. Apart from this, in UPSC, there is a paper of English. And there is a paper of Indian languages. You can offer even Hindi, you can offer Marathi, Indian languages. But these papers are simply qualifier. मुख्य जो यूपीएससी में जो सब टोटल है रिटर्न का वो 1750 है खास। इसके अलावा दो पेपर और देने होते हैं, एक इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज, जैसे इस बेल्ट की इंडियन लैंग्वेज में हिंदी देते हैं, लेकिन ये भी पेपर जो होते हैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। कितना क्वालिफायर होता हम आ रहे हैं, देन दे अब आ रहे हैं कितना कट ऑफ है, तो 10% मार्क्स ईच इन द सेवन पेपर। ऊपर के देखिए यहां से यहां तक
पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, पेपर फाइव, पेपर सिक्स और पेपर सेवन। मिनिमम क्वालिफाई कितना बोलिए? यस 10%। एंड ये जो पेपर होते हैं खाली इंग्लिश के और इंडियन लैंग्वेज के, इसका क्वालिफाइंग अलग अलग है। दैट इज 30% मार्क्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। यानी अगर आप हिंदी आपने लिया हुआ तो सिर्फ 30% मार्क्स आपको गेन करने हैं, आगे वो कभी चेक ही नहीं करते। तो 30% मार्क्स इन द लैंग्वेज एंड 25% मार्क्स इन इंग्लिश। जैसे ही 25% मार्क्स आ गए तो आगे कॉपी चेक नहीं होनी, बस क्वालिफाई है। लेकिन पूरी कॉपी चेक होने के बाद भी अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो दूसरे सब्जेक्ट में भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि वो टोटल डिस्क्वालीफाई हो जाता है स्टूडेंट। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। कौन कौन से? इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन यूपीएससी मेंस द सब टोटल फॉर द रिटन टेस्ट इज 1750 मार्क्स का सब टोटल होता है। और प्रैक्टिकली देखा जाए कि कितना इस समय क्वालिफाई चल रहा है, सो इन 2018 द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वेयर 774 आउट ऑफ 1750। पिछले वर्ष कितना क्वालिफाई किया? 774 आउट ऑफ 1750। उसके पहले 2017 की बात करें तो 809 मार्क्स पे क्वालिफाई किया था। तो ये क्वालिफाई है मार्क्स जो आपकी जानकारी में है, ये सारे वेबसाइट पे दिए भी हुए हैं, राइट। अब इसी के लगभग पैरेलल होता है स्टेट सिविल सर्विसेज। इसमें आप देख रहे हैं देयर इज पेपर वन विच इज जनरल स्टडीज वन, पेपर टू जनरल स्टडीज टू, पेपर थ्री That is General Studies 3, Paper 4, that is GS 4। तो जैसा UPSC का पैटर्न है लगभग उसी का पैरेलल पैटर्न है यहाँ पे भी। बट थोड़ा ये सारे पेपर जो है इंस्टेड ऑफ 250 मार्क्स दे आर ऑफ 300 मार्क्स टिल पेपर नंबर 3। थोड़ा सा अंतर कहाँ है? यूपीएससी में सारे पेपर 250 मार्क्स के, मेरे साथ बोलिए All paper in main belong to 250 mark, but MPPSC में there is a little change in the story, just a very soft change कि GS1, GS2, GS3 they are of 300 marks and paper 4 which is on ethics and integrity it is of 200 marks. Apart from that there is also little change in MPPSC, there is an additional paper of Hindi। हालांकि यूपीएससी में भी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है जो हिंदी के नाम से ही आप दे सकते हो, लेकिन अंतर ये है कि इन एमपीपीएससी द मार्क्स ऑफ दिस जनरल हिंदी इज एडिट, वेयर इज इन यूपीएससी द मार्क्स आर नॉट एडिट। देयर इज आल्सो अ लिटिल चेंज इन द स्टोरी इन एमपीपीएससी, देयर इज पेपर 6 व्हिच इज ऑन एसे, just a very slight change, whereas in UPSC the paper on essay is actually paper 1। UPSC में essay का paper paper 1 है और यहाँ पे वो paper आप देख रहे हैं 6 है, ठीक है। तो MPPSC में जो सब टोटल होता है वो 1400 मार्क्स का होता है। कितना? 1400 मार्क्स का सब टोटल है। और जो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2017 में जो कट ऑफ गया वो लगभग गया था 741 मार्क्स, 741 नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे। तो इन बोथ एग्जाम देयर इज एन इंटरव्यू, इन यूपीएससी द इंटरव्यूज ऑफ 275 मार्क्स। तो यूपीएससी का ग्रैंड टोटल अब आप बताइए कितना हुआ? 1750 बोलिए, 1750 प्लस 275, सो दिस इज 2025, 2025 नंबर का टोटल ग्रैंड टोटल होता है यूपीएससी में। और जो सिलेक्शन हुए हैं आप देख रहे हैं फॉर 2018 982 इज द कट ऑफ आउट ऑफ 2025।
982 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, जबकि 2017 में लगभग 1006 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, यानी 1000 के आसपास आप मान लीजिए सिलेक्शन होता है। Whereas in state PSC normally the final cutoff is around 888. हालांकि different year के cutoff हमारे website में दिए हुए हैं। Then age limit in UPSC it is 21 to 32, in MPPSC it is 21 to 40. So this sometimes make MPPSC on a tougher side. Because those who could not get their selection at the age of 32 in UPSC, now they think to appear for MPPSC. And the qualification of both is the graduation. So to become a civil servant, it's good to know the pattern. Now you know the respective pattern of UPSC. Now you know the respective pattern of state civil services exam. So there are some suggestive books which are recommended for UPSC and PSC. A short list is given in your My Welcome Kit, and the proper list is given on our website. So this is the proper list of books as per the protocol you have to go through. रिकमेंडेड बुक्स की एक शॉर्ट लिस्ट आपके नोट्स में माई वेलकम किट में दिया हुआ है, और बाकी हमारी वेबसाइट में जो प्रॉपर लिस्ट होती है उसमें दिया हुआ है। ये सारी बुक्स हैं जो आपको देखनी है। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंडियन पॉलिटी यू हैव टू गो थ्रू द बुक ऑन एम लक्ष्मीकांत, फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स यू हैव टू गो थ्रू रमेश सिंह, फॉर आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी यू हैव टू गो फॉर लियोंग, for national movement you have to go for Sumit Sarkar and Bibin Chandra, and then some yojanas are there, and you have to go through the Hindu. So this is a long elaborative list. Also you have to go through India 2019-2018. So in MP especially we provide the notes, and apart from that you have to also go through the publications of the state government. So this list of books are given on the website. Need not to worry much about. Just after this few minutes, I'll come on the website part. Where are those lists I'm talking about. So to become a civil servant, it's better to know the study material, and all these study materials are given. We provide notes for most of the things. They are very comprehensive notes, updated notes. And apart from that, you have to go through all these study materials, because it's really a challenging competition. Now, in UPSC, what are the list of services one should know? So in UPSC, there are basically class 1 and class 2 services. There is an All Indian Services. All Indian Services belongs to IAS, IPS and Indian Forest Service. Boliye? तीन ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में, ये जनरल स्टडीज का भी क्वेश्चन बन जाता है। देयर आर थ्री AIS, मेरे साथ बोलिए AIS, ऑल इंडियन सर्विस AIS। सो आउट ऑफ दैट AIS द फॉलोइंग आर द AIS, द फर्स्ट AIS इज IAS, दिस इज द डिफरेंस। यानी AIS आर थ्री बट IAS इज वन ऑफ द AIS, गॉट इट। तो ये हैं तीन अखिल भारतीय सेवाएं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। सो देयर आर थ्री ऑल इंडियन सर्विसेज विच आर देयर इन यूपीएससी, देयर आर क्लास 1 गैजेट, आपको पता ही गैजेट का क्या मतलब है, एंड देयर आर सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए and Central Services Group B. इसके अलावा जो परीक्षाएं होती हैं केंद्रीय सेवाएं समूह का और समूह खा की भी परीक्षाएं होती हैं। So Central Services Group A में there are following services like Indian Audit and Account Services, Indian Civil Account Services and Corporate Law Services, Railway Services,
रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बहुत सारी सेवाएं होती है। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए ऑल क्लास वन कैस्ट एंड ग्रुप बी में देर आर सर्विसेज विच आर इक्विवेलेंट टू डिप्टी कलेक्टर एंड डीएसपी फॉर द यूनियन टेरिटरी। सो दीज आर द सर्विसेज। So just now we have seen what kind of services are there for the Union Public Service Commission. So those services are the Central Services Group A, all Class 1 gazetted, and Central Services Group B, all Class 2 gazetted services. Now we are coming, what are the services which are there in the State PSC? Rajya Lok Seva Aayog mein kis tarah ki sevaen milti hain? Ye sari website mein bhi list di hai, abhi main website mein bhi aapko navigate kar dunga. आपको यू नीड नॉट टू नॉट जॉट डाउन। सो द नेचर ऑफ द सर्विसेज थ्रू एमपीपीएससी आर क्लास टू गैजेटेड एंड क्लास थ्री बट इट्स नॉट गैजेटेड। तो राज्य पीएससी के थ्रू जो हमें जो सेवाएं करने मिलने का सुअवसर होता है वो क्लास टू राजपत्रित और क्लास थ्री आर राजपत्रित होती है। सो दीज आर द सर्विसेज लाइक स्टेट सिविल सर्विसेज दैट इज डिप्टी कलेक्टर, that is DSP, accounts officer, sales tax officer. So these are the services. This is the list of the services which one get after qualifying the state civil services exams, right? So one can become a civil servant by qualifying UPSC, one can become a civil servant by qualifying the state civil service, both are the methods. तो ये सब डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स आपके आए, उस हिसाब से आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो जैसा आपने देखा कि जो यूपीएससी एंड पीएससी एग्जाम है, अभी हमने सबसे पहली चीज देखी थी कि व्हाट आर सिविल सर्विसेज, नंबर टू हमने देखा था कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीएससी, और हमने पूरा पैटर्न समझा यूपीएससी का तीन स्टेज का और एमपीपीएससी का तीन स्टेज का, अभी तक हमने इतना देखा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो यूपीएससी है उसमें अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जब भी हम कोई स्टडी स्टार्ट कराते हैं तो पूरा मॉड्यूल्स हम देते हैं उसका, वी हैव ऑल डिजाइन विद ए मॉड्यूलर कोर्स, और उसमें सब रहता है कि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन, हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन, जनरल साइंस से कितना क्वेश्चन, सब वो मॉड्यूलर कोर्स में ब्रेकअप होता है ऑलरेडी। सिमिलरली फॉर एमपीपीएससी ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग वी इन आवर मॉड्यूलर कोर्स वी प्रोवाइड वट हाउ मेनी क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम विच सेक्शन, तो ऑलरेडी वो मिलेंगे आप। जहाँ तक मेंस की बात है तो अभी आपने देखा यूपीएससी में जो पेपर होते हैं उसमें लगभग कितने शब्द लिखने पड़ते हैं, अगर हम उस पैटर्न से देखें व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दैट एग्जाम, तो अभी हमने देखा कि यूपीएससी में जो पेपर होते हैं जनरल स्टडीज 1, 2 एंड 3, देखा आपने, बोलिए, जनरल स्टडीज 1, 2 एंड 3, उसमें पैटर्न में अभी चेंज हुआ है। जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, ये आपके कंपेरेटिव चार्ट में बना हुआ है, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 एंड जनरल स्टडीज 3। सो नाउ देयर आर 20 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन 1 टू 10 इज ऑफ 150 वर्ड्स, वेयर एज क्वेश्चन 11 टू 20 इज ऑफ 250 वर्ड्स। मैं एक बार आपकी सुविधा के लिए और रिपीट कर देता हूँ, एक कॉमन पैटर्न है जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, एंड व्हाट इज द कॉमन पैटर्न, आउट ऑफ टोटल 20 क्वेश्चंस द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स, पहले 10 क्वेश्चन के आंसर 150 शब्दों में देना है और शेष 10 क्वेश्चन के आंसर 250 वर्ड्स में देना है। सो दिस थिंग विल हेल्प यू। Finally, one last time I'm repeating, GS1, GS2, GS3, there is a new pattern. Out of 20 questions, the answer of the first 10, one has to answer in 150 words. And answer from question number 11 to 20, you have to answer in 250 words. So, ye ek badlav hai. There is a general studies 4 paper, बोलिए, GS 4 paper which is on ethics and integrity, कहाँ पे है? Ethics and integrity पे है ये, तो
दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस. क्या अंतर है? जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री में 20 क्वेश्चंस ईच होते थे और यहां पे कितने क्वेश्चन होते हैं? 12 क्वेश्चन. नंबर टू, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. मेरे साथ बोलिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी. अब बस अंतर इतना होता है, जो पार्ट ए के में जो क्वेश्चंस होते हैं दे हैव टू आंसर इन 150 वर्ड्स. बोलिए, 150 वर्ड्स. और पार्ट बी में जो क्वेश्चन होते हैं 7 टू 12, अगेन 6 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इन अबाउट 250 वर्ड्स. तो ये शुरू से आपको वही बात है, हाउ टू बिकम अ सिविल सर्वेंट इफ यू नो द पैटर्न. तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू कैन डू प्रैक्टिस. कहने का मतलब ये है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से पता है कि मेरे को या तो इसका आंसर 150 वर्ड्स में देना है या 250 वर्ड्स में देना. और टोटल 20-20 क्वेश्चन होंगे एक एक पेपर पर. और एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के जो क्वेश्चन है, या तो 150 वर्ड में आंसर करना है या 250 में करना है. तो आदमी का उसी हिसाब से अभी से वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकता है. So, जो स्पीड आपको अभी से जो बनानी है, लगभग आपको स्पीड बनानी है 25 टू 30 वर्ड्स, लेजिबल मीनिंगफुल वर्ड्स पर मिनट की. बोलिए, यू हैव टू प्रैक्टिस टू राइट 25 टू 30 मीनिंगफुल वर्ड्स पर मिनट विच कैन परसिस्ट, विच कैन सस्टेन अप टू 180 मिनट्स. तो ये आपका लक्ष्य रखिएगा कि हम लगभग 25, 28 से 30 मीनिंगफुल वर्ड्स, जो कंटेक्चुअल वर्ड्स हम लिख सकें और इस स्पीड को, इस चाल को हम मेंटेन करें 180 मिनट तक. ये मेरा बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप घर जाके जब आप लिखोगे अभी मेरी बात पे, तो 3-4 मिनट तक तो आप ये स्पीड निकाल लोगे. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 180 मिनट तक निकालना है आपको स्पीड. और ये सब मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, इसमें फ्लो चार्ट्स भी बनने हैं, सब चीजें बननी है. तो हर चीज का एक महत्व है, उस पर ध्यान दीजिए. और अगर हम एमपीपीएससी की बात करें, तो एमपीपीएससी में पैटर्न हम देख चुके हैं, आपको सबको पता है कि देर इज जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर, एंड द फिफ्थ पेपर इज हिंदी, एंड द सिक्स्थ पेपर इज एसई. अभी हमने आपको दिखाया, आपके पास कंपेरेटिव चार्ट में भी है वो. अब आ जाएं कि इसमें क्या वर्ड लिमिट्स नॉर्मली होती है, क्या पैटर्न होता है. तो एमपीपीएससी में आप देख रहे हैं कि एमपीपीएससी पेपर कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए, पार्ट बी, ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 150 मार्क्स ईच. और एमपीपीएससी में ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, all questions are compulsory, but question 2 and 3 are having internal choices. आप समझ गए बात? Internal choice होती है, external choice नहीं होती है MPPSC में. And question number 1, answer has to be given in 1 or 2 line. मेरे साथ बोलिए, 1, question number 1, answer has to be written in 1 or 2 line. That means around 25-30 words, meaningful words. That means you can write 15 words, you can write up to 25-30 words, 1 or 2 line. Then question number 2, you have to write answer in 100 words. Whereas in question 3, you have to write answer in 300 words. And same is the pattern for GS2, and same is the pattern for GS3. यानी अब इन चीजों को हम अगर एक जगह इकट्ठा करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी पैटर्न हो गया एमपीपीएससी. इन एमपीपीएससी क्वेश्चन नंबर 1, आंसर हैज टू बी गिवन इन ईदर 1 or 2 लाइंस. सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एक जैसा पैटर्न. क्वेश्चन 1 का आंसर 1 or 2 लाइंस. क्वेश्चन 2 का आंसर 100 वर्ड्स, और क्वेश्चन 3 का 300 वर्ड्स.
ठीक है। अभी पेपर भी हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है, आपको पूरा पेपर भी मैं आपको विजिट कराऊंगा। एंड इन एमपीपीएससी मेंस जीएस 4 पैटर्न थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जीएस 4 व्हिच इज ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, तो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ टोटल 3 क्वेश्चंस, बोलिए 3 क्वेश्चंस, नो इंटरनल चॉइस। ये सारी चीजें बारीकियां मैं आपको जब कराऊंगा प्रैक्टिस सब बताऊंगा। एंड अगेन फर्स्ट क्वेश्चन वन हैज टू आंसर ईदर इन वन और टू लाइन, पहले क्वेश्चन का आंसर वन और टू लाइन में। देन फॉर क्वेश्चन नंबर टू द वर्ल्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। एंड क्वेश्चन तीन जो होता है इट इज बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड देर इज नो वर्ल्ड लिमिट एसोसिएटेड। बोलिए एक बार सम अप कर लेते हैं। एन एमपीपीएससी मेंस जीएस 4 इट इज ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एथिक्स पर है ये। और इसमें जो क्वेश्चन वन है शॉर्ट आंसर है एक या दो लाइन, देन क्वेश्चन नंबर टू है 150 वर्ड्स, अंदर इंटरनल होते हैं काफी उसके। एंड क्वेश्चन थ्री इज बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड नो इंटरनल चॉइस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन एसे पेपर, हमारे यहाँ एसे के भी एक्सपर्ट आते हैं, पूरा कराते हैं इसको। एंड आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यूज, तो वी प्रोवाइड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज नॉट ओनली इन भोपाल बट ऑल्सो इन दिल्ली। सारी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी इनकलकेट ए हैबिट इन द स्टूडेंट्स, इफ दे इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट यू शुड रीड गुड मटीरियल। सिविल सर्वेंट बनना है तो अच्छी से अच्छे मटेरियल आप पढ़िए, देन उसको पढ़िए तो इमेजिन भी करिए, रीड बिटवीन द लाइंस। एक तो होता है लाइंस को रीड करना, एक दूसरा मीनिंग क्या होता है रीड बिटवीन द लाइंस, यानी उसका भावार्थ भी आप निकालिए अपने मन में एक पूरा, देन योर रीडिंग राइटिंग एंड डिबेटिंग शुड बी इन अ ड्यू कॉम्बिनेशन। जब भी आप रीड कर रहे हैं तो रीड कर रहे हैं तो साथ में उसको राइट करिए, और राइट कर रहे हैं तो साथ साथ उन चीजों पर डिबेट करिए। हमारी इस बेल्ट के बच्चे रीडिंग सबसे ज्यादा करते हैं और राइटिंग बहुत ही कम करते हैं, जबकि मैक्सिमम मार्क्स आप देख रहे हैं राइटिंग के होते हैं। व्हाई वी एम्फेसाइज ऑन राइटिंग लेट मी एक्सप्लेन यू, रीडिंग मेक्स ए मैन ए नॉलेजेबल मैन। जब आप अध्ययन करते हो तो ज्ञान का विस्तार करते हो, रीडिंग मेक्स ए मैन ए नॉलेजेबल, वेयर एज ए राइटिंग मेक्स ए मैन ए प्रिसाइज मैन। और जब भी जो पढ़ा हुआ उसको जब लिखते हो तो आपको सटीकता आती है, और पूरा का पूरा मेंस ही, पूरा का पूरा सिलेक्शन ही काफी कुछ राइटिंग बेस्ड है। And when you debate, you become a ready man. और जब आप debate करते हो तो हाजिर जवाबी आती है, dear friends. So to become a civil servant, not only you should read a good study material, but you should also write. And you should also debate. और writing में मैंने आपको बता ही दिया, word limit सारी clear कर दी है कि आपको different practice होना चाहिए writing के। And जब भी आप answer writing करें, so you should remember W's. What, when, why, कोई चीज हुई, पहली चीज क्या है वो, क्यों हुई, कब हुई, सोचिए उसके बारे में। And before writing an answer, just make a skeleton and then you start writing. और जब भी कोई घटना होती है तो it has an impact, उसको उस impact में हमेशा सोचिए। Its impact on society, polity, economic, culture, art. क्या उनके इन चीजों पे impact है? Then thoroughly you can study. Right? और भी बहुत सारी techniques होती हैं जो हम बाद में discuss करेंगे कि when they ask critically comment करो, when they ask analyze करो, evaluate करो, discuss करो, तो इन सारी चीजों में भी काफी अंतर होते हैं, तो हम इसको suitable time आने पे discuss करेंगे। And if you become a civil servant, we recommend you to attend the class daily, because here in 2 hours, whatever we discuss, even one is
इट्स बेटर देन व्हाट यू कैन स्टडी एट होम इन 15-16 आवर्स. दो घंटे में इतना कंडेंस हम करा देते हैं जो 15-16 घंटे में भी उतना करना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए. तो क्लास आप जरूर डेली अटेंड करें. एंड इफ यू थिंक यू कैन स्किप द क्लास, देयर इज अ फैसिलिटी, यू कैन जस्ट पुट योर रिक्वेस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड दे विल प्रोवाइड यू एन आईडी एंड पासवर्ड एंड दैट डे लेक्चर यू कैन सी एट होम. हाईटेक फैसिलिटी हमारे यहाँ, आपको पता है कि ये दो दिन में नहीं आ पाऊंगा किसी कारण से, या नहीं आ पाऊंगी. आपको हमारे ग्रुप्स बने हुए पूरे, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट डालनी है कि आई एम सो एंड सो एंड काइंडली प्रोवाइड मी द वीडियो लेक्चर्स ऑफ क्लास फॉर द डेट एक्स एंड डेट वाई. यू विल बी प्रोवाइडेड विद एन आईडी, आप घर बैठे देख सकते हैं. सो राइट वन आंसर ए डेली, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर नॉट ओनली द फॉर द प्री फॉर द मेन्स. And study-wise, we do not recommend to study for 16 hour or 18 hour. No, we don't recommend for that. We recommend for the quality study. हम बहुत कड़ी मेहनत recommend नहीं करते, उससे ज़्यादा recommend करते हैं गुणवत्ता युक्त कड़ी मेहनत पे. Because there are same 12 hour hard work, planned hard work is done by Bill Gates. Amani, and in 12 hours they get $1 billion return in one day, or $1 million return in one day, and the hard work is also done by a labor in a day, and what's his return? 200 rupees a day or 300 rupees a day. एक मजदूर भी श्रम करता है 10-12 घंटे का, 200-300 कमाता है. और बिल गेट्स और अम्बानी ये भी दिन में 10-12 घंटे की मेहनत करते हैं, शायद कम ही करते हैं उनसे, बट इनका रिटर्न मिलियंस ऑफ यूएसडी या बिलियंस ऑफ यूएसडी में हो सकता है. So the secret of success is the quality, the proper protocol. जब भी कोई चीज करनी protocol के साथ करनी, quality के साथ करनी, planning के साथ करनी, then there are more chances of success. And we also recommend to give some time for your leisure, for your hobbies. 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपने आप को दें, अपने उनको दें. Exam जब pass आए तो भले ही आप हट जाएं उससे, थोड़ा सा कम करें. मतलब वी डोंट रिकमेंड यू टू बिकम टू मेक यू बैरन कि 16-18 घंटे मेहनत करो. नो, वी रिकमेंड क्वालिटी हार्ड वर्क राइट फ्रॉम द बिगनिंग. एंड वी रिकमेंड टू एक्सरसाइज एंड मेडिटेट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. एंड वी रिकमेंड टू स्लीप एज पर योर यूजुअल स्लीप, वॉट एवर 6-8 hours a day. सो दीज आर द थिंग्स वी रिकमेंड, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. So these are our features. We provide one-to-one attention and we provide systematic modular courses. And in the beginning of the batch, we provide the chapters to be followed in the class. Abhi pura main aapko listing bataunga. Then we have a well set test paper schedule. Pure saal ka schedule wo bhi aapke haath mein pehle se rakh dete hain. And right from the beginning, we follow the main answer writing pattern. If you're appearing for UPSC, you have to write in QCA, that is question cum answer sheet. जो जितने सेंटीमीटर पर जितने सेंटीमीटर को जगह होता है उसी में आंसर राइटिंग पहले से हम कराना स्टार्ट कर देते हैं. As I have told you for script classes, there is online video lectures. Then classroom courses are available not only offline but also online. As well as the All India series is also there. So we have General Studies Prelims cum Mains online classroom course. We have All India General Studies UPSC Prelims test series, and we have a test series for MPPSC. All these facilities are there. So these are our current results in UPSC 2018. In sabke videos wagera hamari website mein diye hua hai, inke comment diye hua hai. And we have three times first position in MPPSC. Vidisha Mukherjee, she got first rank. Dinesh Jain, he got first rank. And Rakhi Das, she got first rank. Three times first rank in deputy collector. This is Rachit Raj, he got already a third rank in UPSC. And recently we have been awarded as the best IAS IPS coaching. And we have got Nav Duniya Jyotirmay Samman 2019 just a week ago.
by the Honorable Governor of M.P. and C.G. We have also All India's 7th rank, Mr. Tarun Pithore. Currently, he is the District Magistrate, Betul. Previously, he was the DM, Sihor. Abhi Sihor ke collector the, Sihor ke pehle Rajgarh, Rajgarh then Sihor, abhi Betul ke collector. So, Unique is basically an ISO certified institute, that is ISO 9001:2015. This is given for making a quality management and quality study. So, we are the ISO institute. We are also the Google partner and our rating is 5 on Google. These sub certificates are given. We are also the Just Dial partner, our rating is around 4.6 out of 5. And recently, we are an awardee, the best coaching institute. So these are our certificates. IAS toppers comments are given. You can go through the website. We provide all transparent, all kind of transparency. And right from the beginning, we provide the kind of modules we are going to discuss in the coming year. तो ये सब भी वेबसाइट पे डला हुआ है कब किस तरह का चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो सब दिया हुआ है लाइक फॉर द बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 13 मई इन इवनिंग एंड द 15th मई दैट इज मॉर्निंग दिस विल बी द ड्यू फ्लो चार्ट वी विल स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे इन डेप्थ कराएंगे प्राचीन काल को इस तरह के पूरे चैप्टर कराएंगे डिटेल Apart with that, we will take some weekly test on current affairs and one concluding test on ancient history. Ek module mein kafi test lete hain. In 1 year, we expect to take at least 50 tests. Then next module will be on medieval history, madhyakalin, uska pura chapter wise list is given ki kab kya padhayenge. Modern history, pura modular uska bhi diya hua hai. Dikh raha? Then after that we'll go with the Indian polity. Uska pura flow chart diya hua. Getting? तो ऐसे पूरा modules पूरे दिए हुए हैं आगे क्या pattern आने वाला है? Geography, Indian geography, तो this the kind of transparency is there. और काफी depth में पढ़ाएंगे हम लोग. जैसे agriculture हमने उठाया, तो एग्रीकल्चर में अब आप सोचिए इतने सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं खाली एग्रीकल्चर के अंदर रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया भारत में सहकारिता के क्या प्रकार है किस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं कोऑपरेटिव में देन इंडियन एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन है रोल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या पोजीशन है फार्मिंग टेक्निक्स कैसी हैं एग्रीकल्चर इंडेंटनेस एग्रोक्लाइमेटिक जोन इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड सो ऑन ह्यूज इट्स नॉट अ टच एंड गो बिकॉज वी नो इट्स एन ओपन कॉम्पिटिशन सो वट एवर इज देयर एट दिल्ली वी आर प्रोवाइडिंग इक्वल मटीरियल हियर एट भोपाल तो ये सारा मॉडुलर कोर्स है और इस सब की डिटेल आपको दी गई है ठीक है सिमिलरली प्री के साथ साथ हम मेंस भी पढ़ेंगे मेंस के फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द मेंस देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो प्री और मेंस में कॉमन होते हैं ठीक है तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर कॉमन फॉर प्री एज वेल एज मेंस तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब प्री मेंस दोनों में कॉमन है लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मेंस के होते हैं तो ये मेंस के खाली टॉपिक्स हैं तो उसका भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है वेबसाइट फिर जिनको सी सेट ज्वाइन करने हैं उसके भी फ्लो चार्ट हैं ठीक है गेटिंग तो कभी भी आपको देखना हो कि भाई मैं इस चैप्टर के बाद 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो फ्लो चार्ट से उसको पता चल जाता है पढ़ के आना होता तो पता चल जाता है और सबसे बड़ी बात है इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि वो वेबसाइट पे दिया हुआ सब कभी घूमने का कुछ नहीं और आप आराम से देखिए पढ़िए पूरा शेड्यूल ऑफ टेस्ट
दिस इज द शेड्यूल फॉर द टेस्ट, एंशियंट करंट मेडिवल, ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ, साथ में वीकली टेस्ट भी दिए हुए, करीब 50 के आसपास टेस्ट हो जाए, और जो मेन मेन टेस्ट में जो भी टॉप करते हैं उनको हम उनको ट्रॉफी देते हैं बकायदा, ये ट्रॉफी डिस्प्लेड है, पूरा इंकरेज करते हैं उनको। जो यूनिक आईएएस की जो बेसिकली फैकल्टी हैं, आई एम गौरव मारवाहा, आई हैव 28 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई वाज सिलेक्टेड फॉर ए कमीशन रैंक इन इंडियन नेवी, फिर हमारे जो जो हमारे जो एसए एक्सपर्ट हैं ही इज फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, या देन वी हैव फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज बायो, डॉक्टर शैलेन तोमर इज पीएचडी, एंड अदर फैकल्टीज फॉर आईटी वी हैव ए फैकल्टी फ्रॉम एचओडी कंप्यूटर साइंस, दीज आर द फैकल्टी फॉर सीसेट, नंबर ऑफ आईटीएंस आर देयर, सो द लिस्ट इज गिवन। And we provide even weekly current affair updates, जो कि weekly current affair is updated on our website. If you go through the website, you can see the weekly current affairs. Just go through the website and you will find the latest weekly current affair, which is designed from the view of the competitive exams. Like RBI sells entire stake in NHB and NABARD to the government. India to stop importing crude oil from Iran. America हम पे दबाव डाल रहा है कि भाई ईरान से इंपोर्ट मत करो ऑयल, तो अब हमने डिसीजन लिया हम स्टॉप करेंगे, नहीं तो सैंक्शन लगा देगा हम, वो सारा हम डिस्कस करेंगे अभी आपसे। Inside Mars lander, one million species at the risk of extinction. Excuse me. So weekly current affair is there, which is updated on a website. Since courses are available on offline mode, that is a classroom course, जो कि भोपाल में उनके लिए classroom courses हैं, and those who are who do not belong to Bhopal, so we have the online courses also, like foundation course for general studies. We have foundation course, पूरी डिटेल दी हुई है उसकी, along with all flow charts. Apart from that, we have All India General Studies test series. The whole detail is given. Similarly, for MPSC, we have All India series for MPSC. The detail is given, right? And for mains, the answer writing is a challenge, so we organize answer writing challenge. Class में कोई भी हम topic देंगे उस पर लिखाएंगे answer writing challenge में कि आपको topics लिखना है, जैसे कि वो that topic can be artificial intelligence in future is artificial intelligence is a future of IT revolution evaluate, yeah, what is artificial intelligence, what are the issues related with the robotics and artificial intelligence, yeah, what is cloud computing, what are the applications of the cloud computing and what are the issues related with the cloud computing, yeah, what is net neutrality, what are the recommendations of try on net neutrality, as a different topics mein
आंसर राइटिंग चैलेंज कराते हैं, जो अच्छे आंसर्स होते हैं उनको ग्रुप में भी डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, वेबसाइट पे भी उनको लोड करते हैं। देन देयर आर अदर फैसिलिटीज ऑल गिवन रिजल्ट्स वाइज, आईएएस ऑल रिजल्ट्स आर गिवन, एमपीपीएससी रिजल्ट्स आर गिवन, वी हैव थ्री टाइम फर्स्ट रैंक इन एमपीपीएससी। Then on our website, previous year papers are given. Recommended books for competitive exam for UPSC, that is given. Then detail about the cutoff marks. अभी मैंने आपको कट ऑफ मार्क्स बताया ना, जनरल कैटेगरी के थे, अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो वो सारा इसमें दिया हुआ है। So in other information you can get number of informations, right? Then there is a like previous year paper for say if you want to see the UPSC exams, what kind of papers are there? So there is a paper for the UPSC pre, paper for the UPSC mains. So this is now in MPPSC if you want to know, you can get the information from the website. Then there is a gallery in which there are number of things like how to prepare for civil services, the classroom demo on current affairs, geography, economics on different aspects, comments of IAS toppers, their videos, and some photography, photo gallery kind of thing. Say we started from the module of ancient history. So this is a notes on ancient history. ये initials सारा दिया हुआ है plan पूरा website पे दिया। So this इस तरह का notes होंगे, इस तरह के chapters होंगे कि chapter one में paleolithic and the mesolithic age पूरे graphics के साथ, then neolithic and the chalcolithic age पूरे graphics के साथ, then bronze age पूरे graphics। तो ब्रॉन्ज एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके पूरा डिटेल में उसको इवन कंपेयर करके जो उसकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिविलाइजेशन थी उससे कंपेयर, उसका सोशल आस्पेक्ट, हाइजीन आस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी आस्पेक्ट, सब टाउन प्लानिंग एक एक डिटेल, टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट, किस तरह के वेट्स मेजरमेंट्स यूज करते थे, क्या क्या वहाँ के आर्ट एंड आर्ट फैक्ट्स मिले हैं, एक एक आर्ट एंड आर्ट फैक्ट का फिर डिस्कशन, किस चीज का बिना है और क्या शो करता। ऐसा नहीं कि बस ये वी गॉट द रॉयल प्रीस्ट, नो, पूरा डिटेल, वी गॉट ए रॉयल प्रीस्ट फ्रॉम विच स्टेट, विच पॉइंट, मोहनजोदड़ो, दिस रॉयल प्रीस्ट इज अ मेड अप ऑफ डैश डैश मटेरियल, टेराकोटा और स्टिटाइट, स्टिटाइट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनेगा। सिंधु घाटी में हमें एक दाढ़ी वाला पुरुष मिलता, कहां पे मिलता, मोहनजोदड़ो, किस चीज का बना हुआ, स्टीटाइट का बना हुआ। तो वो सारी डिटेल, किस तरह से आप देख रहे हैं, हेड शेव्ड है, हेड शेव्ड है, इसकी मुस्टैच शेव्ड है, ही हैज बियर्ड्स विद कॉम्ब बियर्ड्स, ट्रिम्ड एंड कॉम्ब बियर्ड्स, शॉल एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे। यानी इस पिक्चर से हम ये भी निकाल लेंगे कि उस जमाने में व्हाट काइंड ऑफ फैशन टू बी फॉलोड बाय द मैन ऑफ इंडस वैली, पूरा साइंटिफिक पढ़ते हैं हम लोग। Who is she? The dancing girl. कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो. किस चीज की बनी है? ब्रॉन्ज. और पूरा इसका निकाल लेंगे कि क्या फैशन चलता था. She is not wearing any clothes. Her one hand is full with the bangles, and on another hand there are just few bangles. Breast is open, uncovered, whereas there is a very small necklace. और बाल आप देख रहे हैं उसके पूरे अच्छे तरीके से तराशे हुए, कंघी किए हुए बाल है, इससे पूरा फैशन निकल आता है इंडस वैली में, किस तरह का फैशन लोग पसंद करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर महिला इसको फॉलो करती थी, बिकॉज शी इज एन अल्ट्रा मॉडर्न गर्ल ऑफ इंडस वैली। तो इस तरह से एक एक चीज पे डिस्कशन करके किस तरह से डाउनफॉल हुआ इंडस वैली का, किस तरह से प्री हिस्टोरिक आर्ट डेवलप हुई, ये मेंस के क्वेश्चन आते हैं, प्री हिस्टोरिक आर्ट कैसे डेवलप हुई,
एक एक चीज गढ़ के और डिजाइन करके बनाई है। वैदिक एज पूरे कंपैरिजन के साथ, ऋग्वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, उनकी लैंग्वेज, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, महाभारत, रामायण, ऋषि वशिष्ठ पे क्वेश्चन है, देन फिलोसफिकल रिवॉल्यूशन, दार्शनिक क्रांति, बौद्ध और जैन का काल, किस तरह के सिक्के चलते थे, क्या फिलॉसफी थी जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, गेटिंग, अनेकांतवाद पे क्वेश्चन है जैन, यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला पे क्वेश्चन है, पूरा महाजनपद है, महाजनपद में हरियंग डायनेस्टी, पाणिनी पे क्वेश्चन है, भाष के स्वप्न वाशव दत्त पे क्वेश्चन है, फिर किस तरह से इंडिया में फॉरेन इन्वेजन हुए, तो विद ग्राफिक्स कराते हैं हमारी चीज विद पूरा साइंटिफिक रीजनिंग के साथ। जैसे मौर्य एज है, मौर्यन एज, तो लोग स्टेट पढ़ लेते हैं मौर्यन एज, बट आप अगर सॉल्व करिए तो इन एमपीपीएससी देयर इज अ क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द मौर्यन एज इन रिस्पेक्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेगास्थनीज। यूपीएससी में नहीं है, एपीएससी का क्वेश्चन, तो हमने उस हिसाब से डिजाइन किया कि मेगास्थनीज डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडिया ज्योग्राफी, और भी हेड में इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोसाइटी, हो सकता है वो खाली दो या तीन हेड पे क्वेश्चन दे दें आप, पूरा मिलिट्री और पूरा उसका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, इवन मेगास्थनीज डिस्क्रिप्शन अबाउट द पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का प्रशासन कैसे चलता था, तो पूरा हम पकड़ा के चलते नब्ज क्या है उस हिसाब से डिजाइन करते हैं मॉड्यूल्स पूरे। फिर मौर्यन जाने के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, दिस इज ए पिलर एडिक्ट, दिस इज ए रॉक एडिक्ट, दोनों में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ उनके अशोक के जो एडिक्ट्स मिले हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन, दिस इज द लॉइन कैपिटल, स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सांची की पूरी डिटेल की मौर्य टाइम में स्तूपा ऑफ सांची में क्या बना, उसके बाद शुंगों ने क्या बनवाया, उसके बाद सातवाहनों ने क्या बनवाया, गेटिंग, सांची के स्तूप में भी मौर्य ने क्या बनाया स्तूप, फिर उसके बाद मौर्य के बाद शुंगों ने इनमें क्या किया, फिर सातवाहनों ने क्या किया, ये बात कर नॉर्मली बस इतना ही पढ़ते हैं कि जो नॉर्मली कि भाई स्तूपाज आप सांची थे दे वर मेड ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, लेकिन डिटेल पढ़िए क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन बने। दिस इज इंडियाज फर्स्ट कॉइन द पंच मार्क कॉइन्स, दिखाते हैं व्हाई इट्स नोन एज पंच, बिकॉज देयर इज ए पंचिंग ऑन इट, आहत सिक्के पंचिंग करके बने थे, लोम ऋषि के पे क्वेश्चन बने, सो दिस इज हाउ। इस मॉड्यूल की खास बात है हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, इसमें क्वेश्चन फ्रॉम दे आर आज इन प्री, दे आर आज इन मेंस, दे आर आज इन इंटरव्यू। मॉडर्न इंडिया में तो क्वेश्चन प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी आता है, ये चीज याद रखिए। तो ये उस हिसाब से डिजाइन किए हुए, इसका डिटेल सिलेबस बताया हुआ शुरू में, तो वायसराय कहां किसका शासन, किस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 और रिवोल्ट ऑफ 87 में क्या नेचर था उसका पूरा डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए नॉर्मली तो मान लेते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मानते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बट हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि वाज इट रियली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, व्हाट यू डिस्कस की हुई है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, थोड़ा समझदारी के साथ समझिएगा कि देयर वॉज नॉट ओनली ए सिंगल लीडर हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आप चाहें तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बात, मेरा कहना है जिसको अपन कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक भी ऐसा नेता नहीं था जो भारत के लिए लड़ा था और भारत की आजादी के लिए लड़ा था। और अगर आपको लगता है तो आप नाम कोट कर दीजिए कि नहीं फला फला भारत की आजादी के लिए लड़े थे 1857 में,
तो ये डिफरेंस आता है अभी तक जो आपको सरकार ने पढ़ाया है, और अब सिविल सर्वेंट बनना है तो डिस्कशन जरूरी है भाई। 1857 की आजादी की, 1857 की क्रांति के नेताओं के जरा नाम बताइए। जवाहरलाल इन जनरल नाम बता दीजिए। मंगल पांडे। तो मंगल पांडे क्यों लड़े? किसने बोला मंगल पांडे? आप भैया क्यों है? कार्ट्रिज, ग्रीस कार्ट्रिज। मंगल पांडे वाज तो इज अ कंपनी सर्वेंट, ही हैज नो हैसल्स। इंस्टेड ऑफ ब्राउन बेस इनफील्ड राइफल वाज यूज्ड। ब्राउन बेस में सीधे कार्ट्रिज भरता था, एनफील्ड में काट के भरता था, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम ये हुई कि मंगल पांडे से किसी ने लोटा मांग लिया जो कि निचली जाति का था। मंगल पांडे ने आनाकानी करी, पांडे जी थे, उसने कमेंट किया कि पांडे जी ये क्या, अब जो काट रहे हो उनको नहीं पता उसमें क्या। और वो बंदा वुलिश आर्सेनल में काम करता था, और वुलिश आर्सेनल में बनता था एनफील्ड का वो कार्ट्रिज। तो पांडे जी ने जो विद्रोह किया किस बात से किया कि भैया इसमें तो गाय की चर्बी लगी, मैं मुंह से कैसे काटूंगा। तो इस बात से प्योरली रिलीजियस सेंटिमेंटल, नॉट फॉर इंडिया। और महारानी लक्ष्मीबाई ने क्यों लड़ा? झांसी लेके आऊंगी, हर विजन वाज लिमिटेड टू झांसी। समझिए बात, हम किसी को कम नहीं आंक रहे, लेकिन अब चूंकि सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाह रहे हो तो वास्तविकता सबको पता होना चाहिए। ये जो इतिहास अभी तक पढ़ाया गया है ये सिर्फ वो जो पीछे से आया है वैसा पढ़ा दिया गया है, लेकिन उसकी हकीकत भी पता होना चाहिए। आप समझ गए बात? तो वो सारी चीजें नोट्स में डिस्कस है। देन मेजर इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, पूरा एक एक कहाँ क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया रिवोल्ट का। फिर ब्रिटिश टाइम में और कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए पूरे, ऐसा ठीक है। तो एक एक चीज पूरी थॉरोली डिस्कस है, जैसे जलियांवाला बाग ट्रेजडी, पूरी ट्रेजडी है इस पे, पूरा जलियांवाला बाग ट्रेजडी पे पूरा हम वीडियोस दिखाते हैं। बहुत चीजों के इतने वीडियोस हैं कि हर चीज को वीडियो के से हम रिलेट करके दिखाते हैं। देन आप सबको बताया है कि महात्मा गांधी सपोर्टेड द मुस्लिम्स ऑन खिलाफत ग्राउंड 1920 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने मुसलमान भाइयों का सहयोग लेने के लिए खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमान भाइयों का पक्ष लिया था, उनका सहयोग किया था। तो जो धर्म को राजनीति में पहली बार कांग्रेस ने शामिल किया वो यहां से किया। उस पे आइए, उसमें क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट हैड डाइल्यूटेड दी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। समझे कि गांधी जी का खिलाफत यानी एक धार्मिक, एक सांप्रदायिक प्रश्न को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने से क्या हमारे आंदोलन का धर्म निरपेक्षी स्वरूप क्या डाइल्यूट हुआ, इसको डिस्कस करिए। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस्ड हैं विद आंसर्स। अजमाल खान साहब पे फुल क्वेश्चन है पाया, वो सब नोट्स में डिस्कस्ड है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब इसमें डिस्कस्ड है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को इंडिया कब आना था? साइमन व्हेन इट वाज प्लान टू कम? सो कमीशन हैज टू अराइव इन 1929। कब आना था? तो व्हाई कमीशन वाज फॉर्मड इन 27, व्हाई इट वाज सेंड इन फरवरी 1928, वो सारे बैकग्राउंड्स की नोट्स में सब कवर्ड है। गेटिंग? ये कमीशन कब आना था? 29 में आना। इतनी क्या जल्दी थी कंजर्वेटिव पार्टी को कि 2 साल पहले कमीशन बना दिया, 1 साल पहले कमीशन भिजवा भी दिया, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे वहां, और कंजर्वेटिव को पता था कि हम हार जाएंगे। अब जो लेबर पार्टी आने वाली है वो अगर भी कमीशन भेज पाएगी तो वो इंडियंस को ज्यादा अधिकार दे सकती है। इन 1927-28 देयर वाज अ रूलिंग पार्टी वाज द कंजर्वेटिव एंड दे नो दे आर एट द वर्ज ऑफ द डिफीट एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेबर पार्टी कमिंग इन द पावर
and the attitude of the Labour Party was pro-Indian. So they sent a mission while they were in power, so that they should give less power to Indians. Getting? तो ऐसे ब्रिटिश से भी जोड़ते हुए वो सब चीजें नोट्स में उस तरह से कवर करते हैं। So we show number of videos also. देखिए, this is a video on जलियांवाला। किस तरह से डायर ने प्रॉपर वार्निंग नहीं दी, किस तरह से अटैक किया, उसको एक एक मोमेंट को हम क्रिटिकली डिस्कस करते हैं। And not only one, we have number of videos. After Pune Pact, you want to study Pune. I have given many concessions, Babuji. From 197 seats to 150. This is Mountbatten clan. किस तरह से Mountbatten आए? क्या body language था उनका? Getting? Mountbatten plan, 1945. I'm sorry, Mountbatten plan, 1947. So this is a module on science and technology. So there are topics like space research, till the latest space research. The topic like Indian defense, all major achievements in defense. About the nuclear physics, about the biotechnology, the nanotechnology, all chapters, robotics and artificial intelligence, all chapters, chemistry, biology, all disease, vitamins, all everything. IT, cloud computing and blockchain technology. Now this is the material. Like in chapter number one, space research. So one is on astronomy. Like universe, galaxies, solar system. Brahmand kya hai? Uske andar Akash Ganga hai kya hai? Akash Ganga ke andar grah kya hote hai? Woh sari cheez hai. Then ek bada experiment tha, ispe question bahut bane hai. सोन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर यूपीएससी बड़े क्वेश्चन बने, एमपीपीएससी पे क्वेश्चन बना, ये पूरा हिग्स बोसोन के लिए. सो व्हाट इज हिग्स बोसोन? हिग्स बोसोन को प्रूव करने के लिए था ये. वन ऑफ द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. या प्री मेंस इंटरव्यू हर तरफ क्वेश्चन बने इसमें, पूरा उसकी डिटेल. हिग्स बोसोन पे क्वेश्चन बने, उसकी डिटेल. देन थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द मिल्की वे. हमारी जो आकाश गंगा है उसको मिल्की वे बोलते हैं ना, दुग्ध मेघना, दिस इज आवर मिल्की वे. दिस इज हाउ बर्थ ऑफ ए स्टार. सो दिस इज ए नेबुला, फ्रॉम दिस देयर इज अ रेड जायंट एंड देयर इज अ वाइट ड्वार्फ, एंड फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ नेबुला देयर इज अ रेड सुपर जायंट, एंड आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन देयर मे बी ए न्यूट्रॉन स्टार और ए ब्लैक होल. तो ब्लैक होल कैसे बनता है, वो न्यूट्रॉन कैसे बनता है, न्यूट्रॉन स्टार, वो पूरा चंद्रशेखर लिमिट के साथ. ये देखिए दिखाया हुआ, व्हेन द मास ऑफ ए डाइंग स्टार इज बिटवीन 1.4 टू 3 टाइम्स देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार. व्हेन इफ इट्स मास इज मोर देन थ्राइस द सोलर मास देन इट टर्न्स इनटू अ ब्लैक होल. अगर डाइंग तारे की स्थिति सूर्य की स्थिति के 3 गुने से ज्यादा है तो जब वो एंड होगा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा. इस तरह से ब्लैक होल होता है. फिर ब्लैक होल की पूरी एक स्पेशलिटी, जैसे आप और हम जहां बैठे हैं, दिस इज ऑल 3D, थ्री डायमेंशनल है, एक्स वाई और जेड है. लेकिन इनसाइड द ब्लैक होल देर इज जस्ट सिंगुलैरिटी. क्वेश्चन बनाया है, सिंगुलैरिटी मीन देर इज वन डायरेक्शन ओनली. क्योंकि ब्लैक होल इतने गजब ऐसे खींचता है आदमी को कि उस इफेक्ट को बोलते हैं द स्पेगेटी इफेक्ट. स्पैगेटी इफेक्ट, स्पैगेटी समझते हैं, नोड्यूल समझते हैं. तो कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाएगी तो स्पैगेटी की तरह खिंच जाती है, उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी. क्वेश्चन बना हुआ, वो सब चीजें बताई हमने इसमें, सब बताते हैं. ये देख, वन डायमेंशनल स्पैगेटीफाइंग. फिर अभी हाल ही में एक चित्र ब्लैक होल का खींचा है M87 किस टेलीस्कोप ने, इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप. इस तरह से दिस इज द फर्स्ट रियल इमेज ऑफ ए ब्लैक होल. तो पूरा लेटेस्ट अपडेट के साथ बताते हैं. और ये इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप की जगह जगह
ये उसकी लोकेशंस थी, क्योंकि हमको पता अब आने वाले टाइम में इवेंट हॉरिजन पे क्वेश्चन पहले भी बना हुआ। ठीक है, व्हाट इज द कैप्लर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, फिर सोलार सिस्टम किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सोलार सिस्टम में, नाभिकी संलयन किस तरह से प्लैनेट है, एक एक प्लैनेट का डिस्क्रिप्शन, इनके फिर वीडियोस भी चलते हैं साथ में हमारे, और इस तरह से आप देख रहे हैं दीज आर द इनिशियल प्लैनेट्स फ्रॉम मर्करी टू मार्स, दे आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, आफ्टर दैट देयर इज अ बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, देन स्टार्ट द जोवियन प्लैनेट्स, यहां तक के जो प्लैनेट है ठोस है, इसके बाद क्षुद्र ग्रह है, सब क्वेश्चन बना हुआ है, और इसके बाद जो प्लैनेट्स हैं गैशियस प्लैनेट्स, गेटिंग, फिर कूपर बेल्ट है, फिर कॉमेट क्या होता है, क्यों उसकी पूछ होती है, ऑल डिटेल्स अबाउट द कॉमेट्स, देन द डिफरेंस बिटवीन द मेट्रोइड द मेटोर एंड द मेट्राइट, उल्का पात बोलते हैं ना, तीन कैटेगरी है इसकी, मेट्रोइड जब ये स्पेस में होते हैं मेट्रोइड, जब किसी कारण से व्हेन दे एंटर इनटू एटमॉस्फेयर दे बिकम द मेटो, देन दे नोन एज मेटो, एंड मोस्ट ऑफ द मेटो दे बर्न आउट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, व्हेन दे समटाइम्स दे कैन हिट द अर्थ, व्हेन दे हिट दे आर नोन एज मेट्राइट, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, क्या अंतर है डिफरेंट उल्काओं में, क्या अंतर है, कूपर बेल्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ए स्पेस शटल एंड ए स्पेस व्हीकल, भारत इतना बड़ा उन्नत देश है, हमारे पास कितना स्पेस, कितनी स्पेस शटल है, हाउ मेनी बोलिए, वी हैव स्पेस एयरक्राफ्ट बट दोज आर नॉट रीयूजेबल, मेरे साथ बोलिए, हमारे पास अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, वी हैव जीएसएलवी, वी हैव पीएसएलवी, बट दोज आर नॉट रीयूजेबल, दे आर जस्ट वन टाइम, आ रहा है समझ में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, दे आर जस्ट वन टाइम, वी डोंट हैव ए सिंगल शटल, बट देर इज ए पर्सन इन यूएस, ही हैज हिज ओन शटल, उस पर क्वेश्चन बन रहा है, उनका खुद का स्पेस शटल है भाई साहब, फैल्कॉन, नाम सुना होगा आप, उस व्यक्ति का नाम है एलन मस्क, नाम भी सुना होगा, वो कंपनी का नाम है स्पेसएक्स, सो देयर आर गोइंग क्वेश्चंस ऑन स्पेसएक्स, यस, फिर जीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, दोनों ऑर्बिट में क्या अंतर है, इस पे भी यूपीएससी में क्वेश्चन बना है, स्टेट पीएससी बना है, ये सारी चीजें डिस्कस कराते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अभी से, क्योंकि आपकी डिमांड आई थी, मैंने बोला देखिए आपको, मैं इसलिए कहा जो आपको पूछना पूछिए, फिर हमारे इनसेट प्रोग्राम्स क्या हैं, इनसेट प्रोग्राम में सी बैंड यूज होते हैं, के यू बैंड यूज होते हैं, तो ये सी बैंड क्या होता है, के यू बैंड क्या होता है, तो पूरा इसको इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से हम समझाते हैं, फिर हमारा रिसेंट जितने भी इनसेट सिस्टम्स हैं वो इनसेट के क्या क्या यूजेज है मेन्स में पूछते हैं, देन इनसेट के अलावा हमारा रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम चलता है वो उसके क्या यूजेज है, लेटेस्ट कौन कौन से रिमोट सेंसिंग है, चंद्रयान की क्या पोजीशन है, MOM यानी मिशन ऑन मार्स की क्या पोजीशन है, देन मंगलयान 2 इस समय क्या स्टेट है, देन गगन GPS एडेड ऑगमेंटेशन, IRNSS जो कि बड़ी एम्बिशियस स्कीम है, इस पर ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन बन गया यूपीएससी का, इंडियन नाविक जिसको कहते हैं, सिंपल वे में कहूँ अभी इंडिया में हम लोग जो यूज करते हैं GPS, तो व्हाट इज GPS? इट्स एन अमेरिकन सिस्टम, इट इज डिजाइन विद ए सेट ऑफ 31 अमेरिकन सैटेलाइट्स, मेरे साथ बोलिए, अभी जो हम यूज कर रहे हैं GPS यूज कर रहे हैं, और ये एक अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम है जिसमें डिजाइन किया है 31 सैटेलाइट्स के माध्यम से ग्लोबल नेविगेशन, ऑल दो करेंटली 24 सैटेलाइट्स आर फंक्शनिंग, बोलिए, बट ड्यूरिंग द कारगिल वॉर व्हेन वी नीडेड सम स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अमेरिकन GPS दोज इंफॉर्मेशन वर डिनाइड फॉर दैट टाइम वी फॉर द फर्स्ट टाइम वी थॉट दैट नाउ इंडिया विल हैव इट्स ओन इंडिजिनियस GPS,
And we are in a process to develop that Indian GPS, and that is now known as IRNSS. Getting? कभी आपने सोचा कि हमको फ्री में जीपीएस क्यों मिलता है? अमेरिका इतना खर्चा क्यों कर रहा है? That will be debated in the class. That will be discussed in the class. ये हमको फ्री में नहीं मिल रहा, वो हमारे घर में घुस के हर चीज ताक रहा है अमेरिका, हमको कंट्रोल किए हुए है। Getting? आपको याद ही होगा जब पोखरण 2 करना था तो क्या किस चीज का वेट किया था हमने? Yes or no? Pokhran 2. It was eyeing on us. Pokhran 2. And we artificially create disturbances at Kashmir so that its satellite, we are more busy with the Kashmir, and then we had gone for the Pokhran 2 test. Yaad aa gaya? So, American GPS, humne jab Kargil mein information mangi, dene se mana kar diya usne. तो हमने सोचा नहीं, हमारा खुद का नेविगेशन होगा, चाइना का खुद का नेविगेशन है। ये देखिए पूरा IRNSS, व्हाट इज द नीड फॉर इंडिजिनियस नाविक और द पोजीशनिंग, फिर क्या है इंडियन जीपीएस में, किस तरह से कवर करेगा पूरा कंप्लीट डिटेल, फिर कौन बेटर है, जीपीएस बेटर है या IRNSS बेटर है, तो ये इस लेवल की तैयारी कराते हैं लोग। फिर कितनी एक्यूरेसी है IRNSS की, ये होगा हमारे नाविक। प्रधानमंत्री नोवी जो मोदी हैं, उन्होंने हमारे इंडियन जीपीएस को नाम दिया हुआ नाविक। सो दिस इज द इंडियन जीपीएस रीच। तो नाविक किस किस को कवर करेगा, ऑल अबाउट दैट। देन नॉट ओनली दैट, वी कवर की रशियन जीपीएस की क्या पोजीशन है। सो दिस इज द रशियन जीपीएस। समझ रहे नहीं बात को? देन एक और नई चीज आ रही है, उसके बारे में भी एस ए आर तो कराएंगे डिस्कस। चंद्रयान 2, मार्स MOM 2, देन जो पूरा यूरोप है उनका, यूरोप का एक जीपीएस है, दैट इज नोन एज गैलीलियो। बोलिए, गैलीलियो प्रोजेक्ट। तो गैलीलियो प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल, देन पूरा हमारे यहाँ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, देन लेटेस्ट हमारा जो इंजन बना है स्वीकार इंजन, उसकी पूरी डिटेल। मिशन शक्ति अभी जो हमने लॉन्च किया, वी हैव फायर्ड ए सैटेलाइट फ्रॉम आवर फ्रॉम द लैंड। सो दिस इज नोन एज मिशन शक्ति, यानी हम पृथ्वी पे बैठे बैठे हमने रॉकेट लॉन्च किया और एक सैटेलाइट को मार गिराया, तो उसका क्या रिपरकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, पूरी डिटेल उसकी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में क्वेश्चन इस पर है। देन द स्पेसएक्स एंड देयर फाल्कन सैटेलाइट्स, नॉट आई एम सॉरी, इट्स अ फाल्कन स्पेस शटल। देन द अबाउट द चाइनीज जीपीएस, दैट इज बाइडाउ नेविगेशन सैटेलाइट, वो किस तरह से मार कर रहा है। Getting? चाइनीज जो है वो सेंटीमीटर में देखेगा, अमेरिकन जीपीएस मीटर में देखता है, तो चाइनीज सेंटीमीटर का हिसाब लेगा पूरा। तो ये सारा, दिस इज चैप्टर 1 ओनली। और कोई आपको नोट्स? दीज नोट्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इफ वी स्टार्ट रीडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, we should cover President of India from pre point of view, from mains point of view and from interview point of view. हमने मॉड्यूल ऐसे डिजाइन करते हैं कि उस पे अगर प्रीव की संभावना है, मेंस की संभावना, इंटरव्यू संभावना, तो वो सारे क्वेश्चन उस समय हो जाए। तो उसी तरीके से ये सारे नोट्स डिजाइन होते हैं। जैसे हमने इंटरनेशनल उठाया, इंटरनेशनल में उठाया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज ए मॉड्यूल ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। So, it's all about UNO, with discussion, SAR, NAM, ASEAN, BRIC, all major international institutions, along with the current update. जैसे UNO कब बना, क्या कौन कौन से members हैं, objectives, languages,
प्लान अबाउट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद का प्रजातांत्रिकरण किया जाए, भारत को सीट दी जाए, वो सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, जितनी भी उसकी बॉडीज हैं यूएनओ की, एक एक बॉडी का डिस्क्रिप्शन. देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय यूएनओ टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ यूएनओ, बिकॉज इन मेंस आपको ये सब डिबेट करना होता है, इंटरव्यू में डिबेट करना होता है. देन हाउ यूएनओ इज अ फेलियर इन सीरिया, देन द कंट्री इज सस्पेंडेड फ्रॉम यूएनओ. Then what are the BCCI and the UN Environment Sign Agreement? This is the answer. आप समझ गए? तो पूरा even current भी देंगे तो पूरा तैयार करके modular देंगे हर चीज ताकि आपको comfortable रहे. So this is on international institution. फिर international institution के अलावा there is an international affair. अलग से module है international affair का. और इन दैट इंटरनेशनल अफेयर देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, वी हैव ओपन द इन्वेंट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन इंटरनेशनल अफेयर लाइक बर्मा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ये सबकी इन्वेंट्री हुई है. लाइक हमको चाइना पढ़ना है इंटरनेशनल अफेयर्स में. इसके पहले आपने देखे थे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब चाइना चलिए तो चाइना में फिर पूरा मैटर हमको चाइना पर होगा. दिस इज चाइना. There are two Chinas in the world. So this is on People's Republic of China. So किस तरह से चाइना बना? और चूंकि दुनिया में दो चाइना है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो दोनों में क्या अंतर? क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन बना हुआ है स्टार्टिंग से. शुरू से हमने ऐसे मॉड्यूल डिसाइड किए हैं जिसमें इंटरव्यू तक क्वेश्चन कवर्ड. देन Why the China claims Taiwan? ये क्वेश्चन बनाओ. ताइवान पे क्यों अपना कब्जा बताता है? Then why in certain organizations Hong Kong represents separately as China? कई जगह आप देखा होगा कि Hong Kong अलग से represent करता है अपने आप को, जबकि Hong Kong is a part of China. So there is actually one country, two administrative systems. उसको SAR बोलते हैं, Special Administrative Regions. तो वो किस तरह से है वो पूरी डिटेल, हांगकांग की पूरी डिटेल. देन किस तरह से चाइना हैज माइग्रेटेड फ्रॉम कम्युनिज्म टू मार्केट सोशलिज्म. चीन तो अपने आप को साम्यवाद कहता था, और साम्यवाद मतलब जो पूंजीवाद का विरोध हो, और चीन तो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवाद देश हो गया. तो कैसे वो माइग्रेट किया, कैसे मेटामॉर्फाइज किया उसको, क्या रीजन रहे? द चाइना हैज माइग्रेटेड फ्रॉम कम्युनिज्म टू मार्केट ओरिएंटेड सोशलिज्म. अभी भी वो अपने आप को कैपिटल नहीं कहता, क्या बोलता है? मार्केट ओरिएंटेड सोशलिज्म. मार्केट ओरिएंटेड सोशलिज्म मतलब कैपिटलिज्म. देन चाइना में पॉलिटिकली अभी किस तरह से जिंग को फिर से गति मिली. देन फर्स्ट मिलिट्री बेस ऑफ चाइना से लेके पूरा चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कहाँ कहाँ चाइना का प्रेजेंस है, इस पे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आजकल. देन द तिब्बतन सॉवर्जिनिटी डिबेट, जो चाइना और तिब्बत को लेके संघर्ष है जिसके कारण इंडो चाइना वॉर हुआ, उसकी डिटेल. देन इंडिया चाइना रिलेशन, कहाँ कहाँ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इन डिटेल, एक एक चीज की डिटेल, किस स्टेट में कहाँ डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का. देन इंडिया चाइना के जो लेटेस्ट एग्रीमेंट्स हुए हैं पूरे. देन चाइना का पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप समझते हैं, चाइना जो है पूरी आधी दुनिया को जकड़ रहा है, जगह जगह बेस बना रहा है, चाहे मक्का हो, सिंगापुर हो, चाहे वो म्यांमार श्रीलंका का हम्बन तोता हो, या वो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, जगह जगह उसने मिलिट्री बेस बनाए हुए, चाहे सेशल्स हो. तो जिसको लेके दुनिया में बहुत बड़ी चिंता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज एन एम्बिशन
of China to control initially the South China Sea and then the Indian Ocean, then China is moving towards the Pacific Ocean and then the Africa. तो वो पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इस पे वीडियो भी दिखाएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि ये फर्स्ट पर्ल क्या है, सेकंड पर्ल क्या है, थर्ड पर्ल क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में, और फिर ये भी हम बताएंगे कि हाउ इंडिया इज काउंटरिंग द चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आप समझिए बात को, चीन ने, चाइना हैज गिवन लोन टू श्रीलंका टू क्रिएट ए पोर्ट एट श्रीलंका। मेरे साथ बोलिए, चीन ने बिलियंस ऑफ यूएसडी का लोन दिया श्रीलंका को कि हम्बन तोटा में एक वो प्रोजेक्ट डेवलप करें। व्हेन श्रीलंका कुड नॉट एबल टू रिटर्न दैट पेमेंट पार्ट, व्हाट हैपेंड विद द हम्बन तोटा? चाइना एक्वायर्ड द हम्बन तोटा। बोलिए, नाउ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हम्बन तोटा देर इज अ प्रेजेंस ऑफ चाइनीज डिफेंस फोर्सेस। And few months back, I was in Sri Lanka, very close to Hambantota. Very close to Hambantota. I was at Bentota. Not Hambantota, at Bentota. So people were saying that within few decades, Sri Lanka will turn into a China Sri Lanka. China Silo. Not only Hambantota, all over Sri Lanka, they have their projects. Iske pehle ka jo PM tha na, Ranil ke pehle ka. So, Mahindra. So, Mahindra had huge, he got huge investment of China in Sri Lanka. And Sri Lanka was not in a position to repay. So, pura dhire dhire acquire karega. And same thing may happen with the Pakistan. Aapko yaad hai na, Pakistan mein pura ek project la raha hai, karenge discuss. So, ye, jab hum China padhenge to pura, then China ko OBU hua. OBUR प्रोजेक्ट मतलब ये चाइनीज कॉरिडोर होंगे जगह जगह, दिस इज ऑल OBUR प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। तो डिटेल ऑफ OBUR, डिटेल ऑफ यूएस ऑन OBUR, डिटेल ऑफ इंडिया ऑन OBUR, दिस इज ऑल। देन सम लेटेस्ट डेवलपमेंट, देन सम करेंसी, करेंट वॉर बिटवीन द चाइना एंड यूएस विच इज लीडिंग टू द टॉपलिंग ऑफ द शेयर मार्केट। तो इस तरह से जब इस तरह के पूरे आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट पेपर पूरे बकायदा इंस्ट्रक्शंस के साथ में। यूपीएससी के इफ देयर आर यूपीएससी पेपर देयर विल बी माइनस मार्किंग एज पर द पैटर्न, और एमपी वाला जो पेपर होगा एमपी का विदाउट माइनस मार्किंग, सो इट विल बी बाइलिंगुअल, राइट लेफ्ट, लेफ्ट साइड इंग्लिश, राइट साइड हिंदी। ठीक है, आंसर राइटिंग हम बकायदा जो यूपीएससी के हिसाब से, इट्स ऑल आंसर राइटिंग इज डन इन द क्यूसीए, दैट इज क्वेश्चन कम आंसर शीट 14.5 × 26.5 साइज। ठीक है, और स्टेट सिविल सर्विसेज में तो लाइन में लिखना पड़ता है, तो वो लाइन में लिखते हैं वाले बच्चे जो स्टेट पीएससी देना है। सो आवर क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th मई एंड द 13th मई। 11th मई को हमारा शाम का बैच स्टार्ट हो रहा है, डिटेल आपके पास है सब। शाम का बैच रहता है हमारा 6 to 8, और 13 मई को मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 8 to 10 AM। ये सब डिटेल आप क्या, ठीक है। और जो हमारे कोर्सेज होते हैं, जो एक वन ईयर का बेसिक कोर्स होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कोर्सेज इन बिल्ट, यानी उस कोर्स में वी कवर जनरल स्टडीज फ्री, ऑल 4 पेपर्स ऑफ जीएस मेंस, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ऐसे एज वेल एज इंटरव्यू। तो पूरे 7 कोर्सेज हम कंप्लीट करते हैं, और 7 कोर्स का टोटल फी हमारी 90,000 होता है।
उसमें भी फर्स्ट एंड एडमिशन गेट ए रिबेट, दे नीड नॉट टू पे 21,000 रुपीज कॉस्ट फॉर द मॉड्यूल्स एंड द टेस्ट पेपर्स. वन ईयर कोर्स सिमिलरली टू ईयर्स थ्री ईयर्स में सेवन कोर्सेज उसमें भी होते हैं. आई रिपीट, सेवन ईयर कोर्स कंसिस्ट ऑफ, आई एम सॉरी, वन ईयर कोर्स कंसिस्ट ऑफ सेवन कोर्सेज. नोट्स पे दिया हुआ बैक साइड पे, और उसमें आपका पूरा प्री मेंस के चारों पेपर सब कवर हो गए. देखा आपने, उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. Similarly, there are two-year courses and the three-year courses. जिन्होंने 12th किया हुआ है उनके लिए three-year course advisable होगा, because they have complete 3 years to prepare and make themselves up and up and up. और अब आपके कोई doubt हो आप